हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जितने भी लोग गुजरात बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का एग्ज़ाम दिए थे और वह रिजल्ट के निकलने का वेट कर रहे थे और वह रिजल्ट निकल गया, अब उनको पता नहीं है कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे बॉयलर डॉट गुजरात डॉट gov। तो दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यह पहला वाला जो डायरेक्टर ऑफ बॉयलर है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यह खुल जाता है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस टर्म पे। तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस कुछ खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सबका डाउनलोड कर, सेकंड वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। जिसको पढ़ना है वो आप पढ़ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, लैंग्वेज और लोकेशन यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वही ईमेल आईडी भरना है जो आप फॉर्म भरते समय आपने दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं भर लेता हूँ। सबसे पहले ईमेल आईडी भर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भर लेता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से जो फॉर्म भरते समय आपने सब डिटेल भरा था, वही डिटेल इसमें आपको ध्यान से भरना पड़ेगा, तभी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे DOB गुजरात। यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर लोकेशन गुजरात का हो गया। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरना है, वही जो ऊपर दिया है वही वेरिफिकेशन कोड पे आपको भर देना है, सेम उसी प्रकार। फिर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, तो आपको यहाँ नीचे रिसिप्ट पर नहीं क्लिक करना है। ऊपर देखिए आपको दो ऑप्शन दे रहा है, रिसिप्ट और एग्ज़ाम सर्टिफिकेट। तो आपको एग्ज़ाम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने एक बार डाउनलोड कर लिया है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो आपको उस पर जैसे एग्ज़ाम सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अपने डाउनलोड वाले फाइल पे आप जैसे ही देखेंगे, डाउनलोड वाले फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सर्टिफिकेट सामने आ गया डाउनलोड होकर। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाता है। तो आप लोग यह वीडियो देख के समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।